बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एएचए असिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ मंथ्स में बहुत सारी मीटिंग्स कंडक्ट की गई, जिनके डिफरेंट अनाउंसमेंट सामने आए, जिनकी तरफ से डिफरेंट फैसले सामने आए। कुछ डिसीजंस स्टूडेंट्स के हक में थे, कुछ डिसीजंस जो थे उनसे स्टूडेंट्स को इख्तलाफात थे, लेकिन ओवरऑल तमाम एजुकेशनल मिनिस्टर्स की तरफ से यही कोशिश रही कि एग्जाम्स 2021 को अच्छे से कंडक्ट करवाया जाए और उसका रिजल्ट अच्छा ही आए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे डिसीजंस की जो कि चेंज कर दिए गए हैं, कुछ ऐसे फैसले जो कि तब्दील हो गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शफकत महमूद साहब की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स इस साल कंडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इस साल काफी ज्यादा COVID-19 का पॉजिटिविटी रेशियो है, जिसकी वजह से एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम्स अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। अब उन्हें टेंशन ये लग गई कि अब जब सप्लीमेंट्री एग्जाम्स नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, क्या उनको अगले साल के एग्जाम्स तक का वेट करना पड़ेगा, या अगर इनकेस वो फेल हो जाते हैं इन एग्जाम्स में तो क्या होगा, या अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो वो इम्प्रूव कैसे करेंगे। इन सब टेंशन में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आ गए, पर उन तमाम बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ ताकि तमाम स्टूडेंट्स रिलैक्स कर जाएं। पहली बात तो ये कि शफकत महमूद साहब की तरफ से जो ये अनाउंसमेंट की गई थी, उसके बाद एक और अनाउंसमेंट सामने आई जिसके अकॉर्डिंग तमाम स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा, यानी कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा। जिसने भी अटेम्प्ट किया है पेपर्स, वो तमाम स्टूडेंट्स पास होंगे। अगर उनके मार्क्स पासिंग ना भी आ रहे हुए तो उन्हें 33% मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर्स अटेम्प्ट ही नहीं किए, अब उनका क्या होगा, वो कैसे पास होंगे, क्योंकि उन्हें तो 33% मार्क्स नहीं दिए जा रहे। तो इस हवाले से क्लियर कट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि स्पेशल एग्जाम जरूर कंडक्ट होंगे, चाहे हम इसे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का नाम दें या हम इन्हें स्पेशल एग्जाम्स का नाम दें, एग्जाम्स तो कंडक्ट होंगे ही होंगे रिजल्ट के बाद, ठीक है। और इन एग्जाम्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स अपेयर हो सकते हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम्स को स्किप किया था वो अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो अपेयर हो सकते हैं। थर्ड पे जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे पर उन्हें 33% मार्क्स देकर पास किया गया, पर अब उन्हें लगता है कि 33% मार्क्स से उनको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है स्पेशल एग्जाम्स, जो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह नवंबर में कंडक्ट किए जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे इन एग्जाम्स में अपेयर होने के लिए, वो किस तरीके से अपना एडमिशन भेजेंगे और तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूंगी, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। होप सो तमाम इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी अबाउट योर एग्जाम्स रिजल्ट एंड सप्लीमेंट्री, दैट इज स्पेशल एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।